हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज मैं फिर आपके सामने जो है टॉप 10 सवालों के साथ उपस्थित हूं। उन्हीं सवालों की चर्चा आज अपन करते हैं। उनमें पहला जो है पॉइंट है IPPB, ये आपने देखा होगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनको कहा जाता है। इन पे सरकारी हिस्सेदारिता 100% है, यानी इन पे 100% मालिकाना हक सरकार का है। और सरकार ने अभी हाल ही में निर्णय किया है कि इन जो बैंकों को SFB के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। SFB बच्चों क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लघु वित्त बैंक जिनको कहा जाता है। तो ये पहले जो है वो लोन नहीं दे सकता था, अब लोन देने वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बुक माई फॉरेक्स जो है वो एक कंपनी है और इस कंपनी ने हाल ही में व्यापार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यस बैंक के साथ। और ये कंपनी क्या करती है? सेलिंग और बाइंग का काम करती है, फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का, तो उससे संबंधित है। महासागरीय ऊर्जा आप आगे देख रहे हैं, जिसको ओशियन एनर्जी अपन कहते हैं। ओशियन एनर्जी को अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। अक्षय ऊर्जा बच्चों जो है एक जो है वो इस तरीके की ऊर्जा प्रोडक्शन है जिसके माध्यम से प्रदूषण नहीं होता है, तो ओशियन एनर्जी को भी उसी श्रेणी के अंदर शामिल किया गया। ओशियन एनर्जी जैसे किस तरीके की हो सकती है? जैसे लहरों से जो एनर्जी पैदा हो रही है, टाइडल जो एनर्जी है, इस तरीके की जो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे महासागरीय ऊर्जा का स्रोत है। हुनर हाट जो है वो जो शिल्पकार हैं, छोटे शिल्पकार हैं, उन शिल्पकारों को किस तरीके से अपन रोजगार मुहैया करवा सकते हैं, उसके लिए एक जो है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस तरीके का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार इनका आयोजन कर रही है। और हुनर हाट का जो है अभी हाल ही में आयोजन कौन सी जगह किया गया बच्चों? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। पेटीएम क्यों चर्चा के अंदर है? आपने सुना होगा कि पेटीएम को इंडियन क्रिकेट टीम का जो है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो कौन से कंपनी को दी गई है? पेटीएम को दी गई है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पेटीएम जो है वो क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ क्रिकेट टीम किसको दी गई है? पेटीएम को दी गई है। इसके बाद में अपन बात करें यहां पे 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर जो है वो रेलवे के संदर्भ में क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 से रेलवे के द्वारा सभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, इसीलिए आपको ये यहां पे ध्यान रखना है। इसके बाद में कालीमटनम जो है वो बच्चों ये जगह क्यों चर्चा के अंदर है? ये इंडोनेशिया के अंदर है और इंडोनेशिया के अंदर अभी चर्चाएं चल रही हैं कि जकार्ता जो इसकी राजधानी है उसको हटाकर कालीमटनम जो है वो राजधानी बनाई जाएगी, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये विवाद का हिस्सा है, चर्चाएं चल रही हैं, इसीलिए जो है वो ये चर्चा के अंदर है। इसके बाद में भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन अभी रामनाथ कोविंद ने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड नाइट जो है वो एक नॉवल है यहाँ पे और राजीव डोगरा के द्वारा ये लिखा गया है, तो सेकेंड नाइट नॉवल है जो राजीव डोगरा के द्वारा लिखा गया है, राजीव डोगरा इसके लेखक हैं। राजदीप सरदेसाई जो है वो इंडियन रिपोर्टर हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और प्रेम भाटिया पुरस्कार से अभी ये नवाजे गए हैं, तो इनको जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज के टॉप 10 सवाल थे, इन्हीं सवालों के साथ में जो है विदाई चाहता हूँ। थैंक यू।